गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 4 की वर्कशीट सोल्व करेंगे आज हम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय। आपको ब्लैंक दे रखे है बेटा, इसके अंदर आपको नंबर फिल करने हैं और आपको बताना है, मतलब क्वेश्चन में पूछा है उस नंबर से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट है 5, मतलब यहाँ पे आपको ब्लैंक दे रखा है और आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है। 2, 1, 6, 4 बेटा, इनमें आप जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है ना वो लगाएंगे इनमें, ठीक है। 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं बेटा, जिसके वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट क्या है 0 और 5 में से, बेटा 0 है तो यहाँ ब्लैंक में 0 आ जाएगा, ठीक है। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट लिखोगे क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आप 0 ही आएगा क्योंकि 5 से वो ही नंबर डिवाइड होता है जिसके वंस प्लेस पे या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। उसके बाद सेकंड बी पार्ट है, इसमें आपको ब्लैंक में नंबर लिखना है और आपको ये बताना है कि क्या नंबर आप ब्लैंक में लिखो कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है बेटा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स कि जो भी नंबर आपको डिजिट दे रखे हैं उन सभी को आप प्लस करके देखो और वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए बेटा, 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ब्लैंक को आप छोड़ दो, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 2 9 तो बेटा 3 से डिवाइड ही होता है, तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्लैंक है, 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 5 कितना हो गया बेटा 16, 16 के बाद 3 की टेबल में क्या आता है बेटा 18, तो 16 में आप क्या ऐड करोगे वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, तो 16 में आप 2 ऐड करोगे तो इन डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ब्लैंक है, यहाँ 316 दे रखा है, तो आप बेटा इन सबको प्लस करो, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 के बाद 3 की टेबल में क्या आता है बेटा 12 आता है, तो 10 में आप क्या प्लस करो कि 12 बन जाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट है, इसके अंदर आपको 6 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगानी है और नंबर्स को देखना है। तो 6 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के लिए बेटा 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी आपको कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ही वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो 2 के लिए आप चेक करोगे तो 2 के लिए वो नंबर क्या होना चाहिए बेटा, इवन नंबर होना चाहिए, तो ये नंबर पहले ही देखा हमने कि ये इवन है, ठीक है। तो फिर आप 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करोगे, 8 और 4 12, 12 और 2 14 हो गया बेटा, तो 3 की टेबल में 14 के बाद क्या आता है 15 आता है, ठीक है। 3 की टेबल में 14 तो आता नहीं है, तो 14 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है, तो 15 आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 1 आएगा। उसके बाद यहां ब्लैंक दिया हुआ है, 9 और 5 कितना हो गया बेटा 14, 14 और 2 16, तो 3 की टेबल में क्या आता है 18 आता है, तो यहां आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, कौन सा नंबर आता है 11 के बाद वाला 12 आता है, तो यहां ब्लैंक में क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट है, उसमें 4 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगानी है। 4 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, या तो वंस और टेंस प्लेस के दोनों नंबर क्या होने चाहिए आपके पास 0 होने चाहिए, या लास्ट के दोनों डिजिट 4 से डिवाइड होते हो, तो यहां आपको 2 दे रखा है बेटा, तो यहां यदि आप 0 लिखोगे 24 की टेबल में आता है ना, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन बेटा हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो आप इसको, ठीक है। 1 के साथ 0 लिखोगे नहीं होगा 4 से डिवाइड, 1 लिखोगे नहीं होगा, तो यहां आपको 2 लिखना, 4 3 जा 12, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में यदि 1 और 10 प्लेस पे 0 हैं तो भी वो नंबर 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट देखिए बेटा, ई पार्ट 8 के लिए क्या है, 8 के लिए सेम 4 वाली है, ए 4 में हम 2 डिजिट चेक करते हैं और 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, तो आप इनको चेक करके आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो सेम 3 की तरह है कि यदि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आप देखिए, यहां पे ब्लैंक है, 6 और 3 9, 9 और 4 कितना हो गया बेटा
9 और 4 13, 13 के बाद 9 की टेबल में क्या आता है बेटा, 18 आता है, तो यहाँ क्या जाएगा 5। बाकी के पार्ट्स भी सेम उसी तरीके से हैं, आप सम करके देखोगे और आप उसके आगे जो नंबर आता है 9 की टेबल का आप वही लिखोगे, वही नंबर उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4। आपको ये बताना है कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 4 से डिवाइड होता है। तो पहले आप देखोगे कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है बेटा, आपके पास 100 है, तो पहले तो आप 100 को ही डिवाइड करके देखोगे कि क्या ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो उसमें से एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर हम, ठीक है। आपने 4 से डिवाइड करके देखा ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, 100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट है बेटा, विच इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है जो किससे डिवाइड होता हो बेटा, 6 से डिवाइड होता हो। तो इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखोगे, कितना है 9 को 4 टाइम्स लिख दोगे। आपको बताना है कि 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 6 से डिवाइड होता है बेटा, आप इस नंबर को पहले 6 से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। आपने देखा ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। इट मीन्स कि यदि इस नंबर में यदि आप कुछ ऐड करोगे तो ये बेटा 4 नंबर का डिजिट बन जाएगा। कहाँ ऐड होगा, कहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपने इसके अंदर कुछ भी ऐड कर दिया तो ये नंबर 5 डिजिट का हो जाएगा, लेकिन हमसे कितने डिजिट का पूछा है, 4 डिजिट का ही पूछा है। तो जो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है बेटा, उसी को इसमें से माइनस करना है आपको, ठीक है। यदि यहाँ पे 3 नहीं हो, मीन्स कि आप इसमें से यदि 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये नंबर पूरा पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 9999 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। यदि यहाँ ये 3 नहीं हो तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो आप 3 इसमें से डिवाइड कर दोगे। ऐड इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यदि इसमें कुछ भी हम ऐड करेंगे तो ये 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा और हमसे 4 डिजिट का नंबर ही पूछा है, ठीक है। तो 9996 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6। ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है। 6 के बाद 4 डिजिट का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद इसका सी पार्ट देखिए बेटा, विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 2। आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 3 और 2 बेटा दोनों से डिवाइड होता हो, ठीक है। तो आप पहले ये लिखोगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप देखो कुछ भी आप माइनस नहीं कर सकते, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। यदि इसमें से 1 को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बेटा ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम ऐड करके देखेंगे। पहले तो आपने देखा कि 100 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 1 आ रहा है, 1 3 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 100 के बाद आपने देखा 101, ये इवन नंबर नहीं है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। हमसे पूछा क्या है, जो नंबर 2 से भी डिवाइड होता हो और जो नंबर 3 से भी डिवाइड होता हो। तो 102 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये बेटा 2 से डिवाइड हो गया, और इनका सम ऑफ डिजिट करके देखा आपने तो ये इसका 3 आया, तो 3 आया तो ये क्या हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया। तो 102 इज एन इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड होगा, और यदि इनका सम ऑफ डिजिट करके देखा तो वो 3 आया तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आप अच्छे से कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किए हैं। आपको ये बताना है कि ये किस किस की टेबल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इसमें बेटा आपकी अपनी मर्जी है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी, लेकिन यदि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किया है, ठीक है बेटा। तो पहले 2 नंबर जो आपके पास है बेटा, उनका आप एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। इस नंबर को इससे डिवाइड किया, 1 पे हुआ, रिमाइंडर ये बच गया।
जो नंबर यहाँ रिमाइंडर बचा है, यहाँ जो क्वेश्चन था उसको डिवाइड करना है। यहाँ जब तक डिवाइड करते जाना है जब तक यहाँ रिमाइंडर क्या नहीं बच जाता बेटा, जीरो। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 115। ठीक है, इन दोनों का 115 आ गया, तो 115 का और 920 का आप निकाल दोगे तो भी कितना आया आपके पास, 115 ही आया। ठीक है, फिर आप 115 और 253 का निकाल दोगे, मतलब दो नंबर का आप निकाल लेते हो, जो एचसीएफ आ रहा है उसको आप नेक्स्ट नंबर के साथ उन दोनों का एचसीएफ निकाल दोगे। ठीक है, फिर आप 115 और 253 का निकालोगे तो आपके पास लास्ट में जो एचसीएफ आया है ना बेटा, वो ही इन सब का एचसीएफ होगा। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट भी ऐसे ही है, 185, 407 और 333। तो बेटा टू नंबर्स जो है आपके पास पहले, उन दोनों का एचसीएफ आप निकालोगे तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया बेटा, 37 आ गया। तो अब जो लास्ट नंबर आपके पास बच गया उसका और 37 का एचसीएफ आप निकाल दोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किए हैं, तो इनका लास्ट में जो एचसीएफ आ रहा है वो ही इनका क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। ठीक है, डिवाइड करने का ध्यान रखना, नंबर आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर जो बच गया उससे आपको जो यहां को आपके पास क्या था, डिवाइजर था ना, उसको आगे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, एलसीएम आपको निकलना है बेटा, ये लॉन्ग डिविजन मेथड से हमने सोल्व किए हैं, आप इनको आराम से इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इनको आप सोल्व करके देखोगे, डिवीजन मेथड से ही सोल्व करना, इसको प्राइम फैक्टराइज से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू।